हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा सफारी XZ प्लस 2022 वाले मॉडल का। देखेंगे क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या पावर मिलती है, क्या सब कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके चाबी से। तो ऐसी कुछ इसकी मिलती है चाबी, बड़ी सी, जिसमें यहाँ पर हमें लॉक का, अनलॉक का और फॉलो में हेडलैम्प्स का और ये बूट अनलॉक करने का, ऐसे चार बटन हमें इसकी चाबी में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो ऐसी कुछ इसकी बहुत ही बड़ी फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ी SUV ये दिखती है, साइड से हो या फिर फ्रंट से हो या फिर रियर से हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बड़े इसके DRLs मिल जाते हैं, जो कि ड्यूअल फंक्शन के साथ आते हैं, मतलब यही LED DRLs है इसके और यही इसके टर्न सिग्नल्स बन जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी बड़ी सी ये क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है और इसके ऊपर ये सफारी की जो बैजिंग है ये आफ्टर मार्केट कराई गई है, ऐसी हमें स्टॉक नहीं मिलती और ये फ्लैग भी आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें टाटा का बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है। और बात करेंगे हेडलाइट की, तो यहाँ पर हमें लो बीम में इसका प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलता है, जिसका वाइट कलर का थ्रो है और ये हाई बीम है जो कि येल्लो लाइट प्रोड्यूस करता है। और उसके नीचे यहाँ पर ये क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। और ऐसा कुछ यहाँ पर हमें इसका फॉग लाइट देखने को मिलता है। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर यहाँ पे सफारी में नहीं मिलते हैं और ऐसी कुछ इसकी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स मिल जाती है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो आप एक बार देख लीजिए इसकी साइड प्रोफाइल। तो ऐसी कुछ बहुत ही बड़ी सी इसकी साइड प्रोफाइल मिल जाती है, जहाँ पर इसके ये बड़े से 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। काफ़ी शानदार लुक्स के साथ ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं। और अगर हम इसके टायर की प्रोफाइल की बात करेंगे तो 235/60R18 के प्रोफाइल के टायर साइज़ हमें सफारी में मिल जाते हैं टॉप मॉडल में। और उसके अलावा यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक कलर में इसका ORVM मिलता है, जहाँ पर हमें टर्न सिग्नल भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी इसके नीचे कैमरा वगैरह नहीं मिलता 360 वाला। उसके ऊपर के साइड यहाँ पर हमें ये रूफ रेल्स मिल जाती है। और बात करेंगे डोर हैंडल्स की, तो यहाँ पर हमें ये क्रोम फिनिशिंग इस डोर हैंडल पे देखने को मिलती है, जहाँ पर इसके पैसेंजर वाले साइड पे भी ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और ऐसी कुछ बड़ी सी इसकी डोर क्लैडिंग मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल भी गाड़ी की बहुत ही मस्त लगती है, कोई भी आपको यहाँ पर इसके लुक में कमी नहीं दिखेगी, बहुत ही शानदार इसकी रियर लुक दिखाई देती है। जहाँ पर ऊपर की साइड हमें इसमें शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉयलर, वाइपर, डिफॉगर और उसके बाद LED टेल लाइट्स मिल जाती है। यहाँ पे टर्न सिग्नल हो गए इसके। और उसके बाद टाटा का बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है और ये पियानो ब्लैक में इसमें बड़ी पट्टी मिलती है। उसके बाद बात करेंगे पार्किंग सेंसर्स की, तो यहाँ पर हमें एक और ये दो, ऐसे दो पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं और उसके नीचे फिर से एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। तो ये कुछ हो गई इसकी एक्सटीरियर की बातें। और यहाँ पर ऐसे हमें सफारी की बैजिंग भी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसके इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। तो अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डोर की, तो इसमें हमें बहुत ही बड़े साइज़ का डोर देखने को मिलता है, जिसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बहुत दम लगा कि यहाँ पे डोर को खोलना पड़ता है। तो बात करेंगे यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर पे हमें क्या क्या मिलता है। तो चार ही पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर लॉक और अनलॉक करने के कंट्रोल्स, डोर ओपनर जो कि सिल्वर फिनिशिंग के साथ आता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें इतनी बढ़िया स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें हमें बहुत सारे बड़े बड़े बॉटल्स भी रख सकते हैं। उसके अलावा ये रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसका जो ORVMs को सेट करने का और ऑटो फोल्ड करने के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करेंगे ड्राइवर सीट की, तो ऐसी कुछ इसकी ड्राइवर सीट मिलती है, वाइट कलर की लेदराइट सीट्स मिल जाती है, जिसमें हमें 6-way पावर एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट का फंक्शन मिल जाता है। और इसी के साथ वेंटिलेटेड भी सीट्स इसके टॉप मॉडल में हमें मिल जाती है। बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें इसका स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके राइट साइड में पूरे MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें
इसके इंफोटेनमेंट के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ऐसे कुछ इसके वाइपर्स आते हैं जिसमें हमें रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी में अवेलेबल है। और ऐसी कुछ हमें इसमें इसकी डिजिटल MID देखने को मिलती है, जो कि आधी एनालॉग है और आधी वाली डिजिटल देखने को मिलती है, जिसमें हमें बहुत सारी कार इन्फो मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हमें इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप। क्रोम सराउंडिंग में इसके AC वेंट्स है और पियानो ब्लैक यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे इसके डैशबोर्ड पे मिलता है। तो बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो यहाँ पर हमें 8 इंचेस की ये बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसमें हमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का वायरलेस सपोर्ट मिल जाता है। और ये सारे कंट्रोल्स इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। और उसके नीचे हमें क्रोम सराउंडिंग में ये इसके AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। बाकी ये जो हो गए वो AC के रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं गाड़ी में। इसके नीचे यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का पैड भी है, तो यहाँ पर आप वायरलेसली अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर USB पोर्ट्स और ऑक्स का भी पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये इसके ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सिटी, रफ और वेट ऐसे ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। और ये कुछ है इसका गियर नॉब, जिसमें हमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में आता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें ऑटो होल्ड का बटन मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में आता है। उसके बाद यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन भी यहाँ पर मिल जाता है। और ये मिल जाता है इसका ग्लो बॉक्स। और ये दूसरी वाली जो पैसेंजर सीट है, इसमें भी वेंटिलेशन का ऑप्शन आता है, जो कि फ्रंट दोनों ही सीट्स में वेंटिलेटेड का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी रियर वाली सीट्स में ये वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। बात करेंगे इस IRVM की, तो इसमें हमें ऑटो डिमिंग वाला IRVM मिल जाता है। उसके अलावा ऐसा कुछ यहाँ पर हमें इसका ग्लो बॉक्स मिलता है, जिसमें काफ़ी बढ़िया स्टोरेज आप कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया इसमें स्पेस है, तो आप अच्छे से आपके सामान को यहाँ पर रख सकते हो। तो अब बात करते हैं मिडल रो की, देखते हैं कितना स्पेस इसके मिडल रो में हमें मिलता है। तो ये कुछ है इसका रियर डोर, जहाँ पर हमें पावर विंडो का बटन मिल जाता है, डोर अनलॉक करने के लिए हैंडल मिलता है जो कि क्रोम में है, और बड़े साइज़ के यहाँ पर हमें विंडो मिल जाती है। और इतना कुछ आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर इसका सीट देखने को मिलता है, जो कि लेदराइट सीट्स यहाँ पर हमें मिलती है वाइट कलर की। काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट है। और बात करेंगे स्पेस की, तो स्पेस इस गाड़ी में बहुत ही सारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर लेग रूम मिल जाता है, और पीछे की साइड यहाँ पर कोई AC वेंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, मतलब इसके बीच में कोई भी आपको AC वेंट देखने को नहीं मिलता। इसका जो रियर AC वेंट है वो यहाँ पर इसके पिलर पे देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर इसका AC वेंट मिल जाता है और दूसरा वाला उस साइड पे देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर है इसमें, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, रियर सीट तक ये आता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टाटा सफारी का एक फीचर है। और ये बात करेंगे इस सीट के कंफर्ट की, तो काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट है, इसमें 3 जने बहुत ही आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। और उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पर मिलता है इसका थर्ड रो, जो कि अभी फोल्ड करा गया है। अब बात करते हैं कि टाटा सफारी के इस वेरिएंट में कितना बूट स्पेस हमें मिल जाता है, तो एक बार मैं आपको बूट स्पेस बूट अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो देखिए एकदम थर्ड रो जब हम फोल्ड करते हैं, तो इतना कुछ बढ़िया स्पेस यहाँ पर हमें सफारी के बूट में देखने को मिलता है, जहाँ पर ये सबवूफर भी देखने को मिलता है। इस गाड़ी में हमें JBL के स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। उसके साथ यहाँ पर हमें सबवूफर भी मिलता है, और रियर साइड में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर उसका एडजस्ट करने का भी बटन मिलता है, और इसके अलावा बूट लाइट हमें मिल जाता है। और यहाँ पर थर्ड रो के सीट में जो पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी 2 कंपनी द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। और कुछ बढ़िया बातें सफारी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जैसे कि इस गाड़ी में हमें पंचर किट मिल जाती है, टायर इन्फ्लुएटर मिल जाता है, जो कि हमें कंपनी ही प्रोवाइड करती है, और उन सब चीज़ों को रखने के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेस जो है सफारी में मैनेज की गई है।
तो ऐसे कुछ मिल जाता है इसका बूट स्पेस। अब बात करते हैं दोस्तों सफारी में मिलने वाले डीजल इंजन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लीटर का यानी कि 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 170 bhp और 350 Nm का टॉर्क ये वाला डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है। और बात करेंगे इसके माइलेज की, तो इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर और ये आराम से 10 से 11 तक ये गाड़ी माइलेज आपको आराम से दे देती है हाईवे पर। तो ये है दोस्तों टाटा सफारी XZ प्लस मैनुअल 2022 मॉडल। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर करिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।